हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग में मैं माही को जस्ट स्कूल छोड़कर आई ही हूँ, और आते ही मैं थोड़ा बहुत काम जो मेरा पेंडिंग है उसे कंप्लीट कर रही हूँ। और वैसे तो मैं सारा काम करके ही गई थी, लेकिन जो थोड़ा बहुत काम रहता है वो अभी जल्दी से कर लूँगी और फिर नहाकर अपनी पढ़ाई के लिए बैठ जाऊँगी। जैसा कि आपको पता है, मैं एक हाउसवाइफ हूं, और आप में से जितनी भी हाउसवाइफ हैं, आप सभी को अच्छे से पता है कि हम पूरा दिन घर में कितना सारा काम करती हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमें आराम करने का भी टाइम नहीं मिलता है, सारा ही दिन काम में निकल जाता है, और फिर भी लोग यही कहते हैं कि तुम घर में करती ही क्या हो। मतलब हम जो हाउसवाइफ घर में पूरा काम करती हैं, बच्चों को संभालती हैं, सारे परिवार का ध्यान रखती हैं और घर के सारे काम करती हैं, उस काम की कोई वैल्यू नहीं होती है। मैंने अपनी मम्मी से, अपनी सास से, सबसे जिनकी इतनी एज हो चुकी है, जिनका इतना एक्सपीरियंस है, सबसे यही बात सुनी है कि बेटा, हम जितना भी काम कर लें घर में रहते हुए, हम चाहे कितना भी काम कर लें, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वैसे उस काम की वैल्यू इसलिए नहीं होती है क्योंकि उस काम के लिए हमें कोई सैलरी नहीं देता है, है ना। पैसा नहीं आता है हमारे पास, तो वो किसी को काम दिखता ही नहीं है। जेंट्स लोग घर से बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ से पैसा आता है, तो उनके काम की कदर करते हैं लोग। लेकिन हम घर में रहते हुए भले ही उनसे ज़्यादा काम करते हों, लेकिन हमारा काम किसी को दिखाई नहीं देता है। और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सबकी सोच एक जैसी होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी ही होती है कि बेटी को ज़्यादा पढ़ाकर कुछ नहीं करना है, उनकी एक बार शादी हो जाएगी, वो दूसरे घर में चली जाती हैं, फिर वहाँ पर घर का ही काम तो करना है, तो इसीलिए वो उनको आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। जैसा कि आपको पता है, आपने खुद भी फेस किया होगा, लड़कियों को आगे बढ़ने के बहुत कम मौके मिल पाते हैं। कभी कभी शादी के बाद वो इतने ज़्यादा टॉक्सिक माहौल में चली जाती हैं, जहाँ पर वो अगर चाहती भी हैं आगे बढ़ना तो भी नहीं बढ़ पाती हैं। मैंने तो बहुत सारी मेरी ऐसी फ्रेंड्स को भी देखा है जो शादी के बाद ऐसे माहौल में चली गई हैं जहाँ वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहती हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हैं, और सारा ही दिन बस उसी घर के काम में वो फंस कर रह गई हैं। अभी अगर हम इस चीज़ के सॉल्यूशन के बारे में बात करें, तो इसका सॉल्यूशन कोई बाहर वाला तो आकर हमें देने वाला है नहीं, है ना। जो भी करना है हमें ही करना होगा। तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि देखिए, वो जो दूसरे लोग जो भी सोच रहे हैं, उनकी सोच को हम नहीं बदल सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में सिर्फ ये है कि उनकी सोच से, उनके विचारों से हम पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। वो जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, वो उन तक ही सीमित रहे। आप उसका असर खुद पर, अपनी लाइफ पर बिल्कुल भी ना पड़ने दें। लोगों का तो काम यही है, वो बोलेंगे। आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो भी वो बोलेंगे, अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो भी वो बोलेंगे। तो उनका तो यही काम है, इसलिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यही सोचना है आपके लिए सही क्या है, आपको वही करना है। आपको खुद से अपने लिए स्टैंड लेना होगा। फ्रेंड्स, मेरा तो यही मानना है, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं तो उसके लिए पहला कदम आपको ही बढ़ाना होगा। अगर आप ही कदम नहीं बढ़ाएंगी तो आप उस लाइफ से, जिससे आप खुश नहीं हैं, उसी में फंस कर रह जाएंगी। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है और उसके लिए कौन से स्टेप आप ले सकती हैं। अभी मैंने अपना स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मैंने हिस्ट्री और अपना ज्योग्राफी दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। फिर मैंने अपना किचन का सारा काम कंप्लीट किया, और मुझे दो तीन ड्रेस को आज प्रेस करना था, तो वो भी मैं दिन में ही कंप्लीट कर दूँगी। अभी खाना खाते ही मैंने ये काम अपना कर दिया था, और अभी माही के पापा आए हुए हैं लंच करने के लिए, तो जो है माही उनके साथ खेलेगी थोड़ी देर। वैसे भी वो अभी स्कूल से आई है, उसने खाना खा लिया है, और अभी वो थोड़ा फ्रेश भी हो जाएगी तो अपने पापा के साथ खेल लेगी। उसी से मैं टाइम निकाल के मैंने अपना ये काम पूरा कर लिया। अब जब मैं माही का होमवर्क करवाने के लिए बैठूँगी तो साथ में मैं भी अपनी पढ़ाई के लिए बैठ जाऊँगी, जिससे कि वो टाइम मेरा यूटिलाइज हो जाएगा। और दिन में रेस्ट करने की बजाय मैं अपना पढ़ाई ही कर लेती हूँ। और कभी कभी जब ऐसे लगता है कि आज एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है, उस दिन थोड़ी बहुत देर रेस्ट कर लेती हूँ, लेकिन सोती नहीं हूँ दिन में मैं। और ये देख
देखिए माही अपना होमवर्क कर रही है और साथ में मैं भी अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए, लोगों की सोच को हम नहीं बदल सकते हैं, अगर हम कितनी भी कोशिश कर लें उनकी सोच वही रहेगी, तो उस चीज़ में हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में कोई आपको सपोर्ट करता है, आपकी पढ़ाई को सपोर्ट करता है, तो आपको उसकी हेल्प लेनी चाहिए। आप चाहें तो अपने घर के काम में अपनी मम्मी की, अपनी सास की मदद ले सकती हैं। अगर आप अपनी बात उन्हें अच्छे से समझाएंगी, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगी, तो देखिएगा वो आपकी बात को ज़रूर समझेंगी और आपका साथ भी देंगी, क्योंकि आखिरकार वो एक माँ हैं और माँ अपने बच्चों की हमेशा भलाई ही चाहती हैं। जिसमें आपका अच्छा होगा वही वो आपको सलाह देंगी और उसे करने के लिए आपको मोटिवेट भी करेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मैं इसमें सिर्फ अपनी राय आपके साथ शेयर करती हूँ, आप इस बारे में क्या सोचती हैं आप भी मुझे कमेंट करके बता सकती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप कमेंट करके मुझे बताएंगी, और आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही हैं वो भी मुझे कमेंट में बता सकती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।